कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रज्वल रेवन्ना करीब 34 दिनों बाद जर्मनी से वापस आ गए। जैसे ही वो बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आए, एसआईटी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। प्रज्वल रेवन्ना पर कई महिलाओं के यौन शोषण के आरोप हैं। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल पर काफी बवाल हुआ है। रेवन्ना को अब जेडी ने पार्टी से निलंबित कर दिया है। वो लुफ्थांसा की फ्लाइट LH 0760 से गुरुवार की देर रात करीब 1 बजे देश आए। जर्मनी से आते ही रात में एयरपोर्ट से उन्हें एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। एसआईटी की टीम अब उनसे पूछताछ करेगी और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक दिन पहले ही बेंगलुरु की एक अदालत ने रेप और यौन शोषण के मामले में प्रज्वल रेवन्ना की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की थी। प्रज्वल जेडी सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते हैं। यौन उत्पीड़न का आरोप लगने के 6 दिन बाद और हसन लोकसभा सीट पर वोटिंग 1 दिन बाद 27 अप्रैल को रेवन्ना देश छोड़कर चले गए थे। रेवन्ना ने अपने राजनयिक पासपोर्ट पर म्यूनिक के लिए उड़ान भरी थी। करीब 34 दिनों बाद वो बेंगलुरु लौटे हैं। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से सांसद हैं और इस बार भी वो चुनावी मैदान में हैं। विदेश जाने के ठीक 1 महीने बाद यानी 27 मई को सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने कहा था कि वो 31 मई को SIT यानी विशेष जांच दल के समक्ष पेश होंगे। SIT रेवन्ना पर लगे कई महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों की जांच कर रहा है। रेवन्ना ने अपने खिलाफ यौन शोषण के मामलों को झूठा और राजनीतिक साजिश का हिस्सा बताया है। उनका कहना है कि इसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए। दरअसल हासन लोकसभा सीट पर मतदान के 1 दिन बाद 27 अप्रैल को प्रज्वल कथित तौर पर जर्मनी चले गए थे। SIT ने CBI के माध्यम से इंटरपोल से प्रज्वल के ठिकानों के बारे में जानकारी मांगी थी, जिसको लेकर इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर चुका है। सांसदों विधायकों के खिलाफ मामले की सुनवाई के लिए गठित एक विशेष अदालत ने SIT के आवेदन दायर करने के बाद 18 मई को प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने केंद्र से उनका राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने का आग्रह किया है। हालांकि उसने कहा है कि इस मामले पर केंद्र सरकार से अभी तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं मिला है। विदेश मंत्रालय ने प्रज्वल को कारण बताओ नोटिस भेजकर पूछा था कि उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोपों के मद्देनजर उनका राजनयिक पासपोर्ट रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए।